हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सृष्टि, सृष्टि विद द वॉइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सबको हैप्पी लोहड़ी। यस गाइस, आज ना मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी। पूरे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे घर पे और एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, और क्योंकि थोड़ा बहुत लोहड़ी का हमारे यहाँ फंक्शन है तो वही हो रहा है, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट लोहड़ी तो वही चल रहा है। एंड यस, मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही हूँ बिकॉज यू कैन सी मैंने सारे उंगलियों में रिंग्स पहनी है। एंड यस, यू कैन सी द गिफ्ट्स। यस, तो यस गाइस, मैं ना थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा ये, मतलब ऑब्वियसली ये शाम के अभी आई गेस 6:45 हो रहे होंगे, हाँ ऐसे कुछ हो रहा है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिला है रेडी होने के लिए। आई डोंट नो कि मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ, बट लेट मी सी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा ही रूम है जो कि कचड़ा बना पड़ा है, यू कैन सी। यस, और फिर अभी रेडी होंगी तो ऑब्वियसली और ज़्यादा कचड़ा बनने वाला है। और मैं अपना मॉर्निंग का लुक दिखा देती हूँ आपको कि कैसा था। गाइज, दिस इज़ माई मॉर्निंग लुक। मैंने पहना था ये उलन वाला क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे दो वॉचेस पड़े हैं एंड मोहित का एक वॉच है, एक आशी मेरी सिस्टर का वॉच है एंड मोहित का वॉलेट है। सो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। दिस इज माई सूट एंड दिस इज माई स्वेटर जो मेरे को डैडी ने गिफ्ट करा है। यस यस गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होने के बाद। एंड यस, लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। सो ये है मेरा आउटफिट जो कि ऑब्वियसली पूरा नहीं दिख रहा है, मैं लेटर ऑन दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस क्लीन करने और मेकअप करने, और यस उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा लुक कैसा है एंड ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है और मैं शूट नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा देर तक क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर मेकअप, बाय बाय। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने स्किन प्रेप करने से। सबसे पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया, उसके बाद मुझे, और मैं सोच रही थी मैं क्या ही मेकअप करूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, बट स्टिल मैं करते गई और एंड मेकअप टर्न्स आउट रियली वेल। मैंने काफ़ी हैवी नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मिनिमलिस्ट मेकअप किया था। एंड यस, यू कैन सी माय गाउन, ब्यूटीफुल ब्लू कलर गाउन। एंड यस, दिस इज़ माय फुल लुक, और इस पूरे गाउन का क्रेडिट मम्मा को जाता है, उन्होंने सब कुछ स्क्रैच से बनाया था, फैब्रिक से लेके इसकी एम्ब्रॉयडरी, ग्लेसेस, एवरीथिंग सब कुछ मम्मा ने करा था, मेरी मदर इन लॉ ने। एंड यस, हियर इज़ मोहित एंड मी। फाइनली हमारा लोहड़ी का जो फंक्शन था वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था, लकड़ियाँ लग गई थी और स्टिल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम सब एक्चुअली में उसका भी वेट कर रहे थे, यार कब थोड़ी सी गर्मी आए आग के कारण। तो काफ़ी अच्छी वाली लकड़ियाँ लगा के उसके बाद आप देख सकते हो हमारा लुक, भीड़। उसके बाद फिर जो एक्चुअली में जो होता है वहाँ पे, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी भी लोहड़ी मैंने सुनी थी बट कभी मैंने देखी नहीं थी, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था और हमारी फर्स्ट लोहड़ी थी। तो आप देख सकते हो हमने पहले बड़े अच्छे से पूजा की, उसके बाद फिर हमने जैसे फेरे लेते हैं वैसे फेरे भी लिए, आप देख सकते हो। उसके मतलब जो जो मम्मा लोग बता रहे थे, सब बता रहे थे कि जैसे जैसे करना है वैसे वैसे हम करते जा रहे थे, मैं और मोहित। और यस, यू कैन सी इसको आग को जलाने की कितनी कोशिश की जा रही है, लोहड़ी माता को जलाने की। एंड या आई रियली लाइक दिस रिचुअल एंड काफ़ी इन्जॉय किया हम सब ने एक्चुअली। और आप सुनो कि क्या बोलते हो जो कि सब भूल गए थे। तो ये जो आपने सुना, ये फेरों के टाइम पे सब बोल रहे थे, जिसका मतलब मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता है कि क्या है इसका मतलब, बट स्टिल काफ़ी अच्छा था। और हम राउंड राउंड पूरे 7 फेरे जो मतलब शादी के टाइम पे लेते हैं वही हमने पूरे 7 फेरे लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब आ रहे थे लोहड़ी माता अपना, ये रहे मेरे मम्मी पापा, आप देख सकते हो मेरे भी फैमिली मेम्बर आए हुए थे, मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, मेरे भाई, सब लोग आए हुए थे और सब लोगों ने खूब इंजॉय किया ठंडी को क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी यार।
तो लेकिन मज़ा बहुत आया है, लिटरली मज़ा बहुत आया. यू कैन सी ऑल द हैप्पी फेसेस. यहाँ पे सारे लोग हैं, सब लोहड़ी माता को प्रणाम कर रहे हैं. एंड उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया चक्कर लगाने का राउंड एंड राउंड. तो सब सब एक साथ राउंड 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 कर रहे थे, मतलब आई मीन लोहड़ी माता के चारों तरफ घूम रहे थे. और यस, धीरे धीरे सब आके आशीर्वाद ले रहे थे वहाँ पे. उसके बाद सब फिर बारी आई प्रसाद लेने की. एंड यस, सी इज़ माई सिस्टर आशी इन्जॉइंग ऑल द मिठाइज एंड प्रसाद. एंड यू कैन सी लोहड़ी माता. और यस, मी एंड मम्मी एंड पीछे अभय भी है, उसके इशारे देखो आप. उसके बाद थोड़ा सा स्लो मोशन में ये है, और सबकी फेसेस लेते हुए जितने लोग आए थे, सृष्टि एंड ऑल ऑल द बॉयज. उसके बाद बारी आई थी आशीर्वाद लेने की. फिर हमने सबका आशीर्वाद लिया. पापा से, डैडी से स्टार्ट हुई थी, फिर मम्मा, मम्मी, फिर पापा, फिर और जितने भी पटना से सब आए थे, मतलब मेरे घर साइड से, सबका आशीर्वाद हमने धीरे धीरे लिया. और ये बेसिकली फंक्शन ना हमारे घर घर के जस्ट बगल में हो रहा था, मतलब हमारे गली में ही हो रहा था, तो वहीं पे पास में ही था, ज़्यादा दूर तो था नहीं, तो इसलिए. एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर द ढोल टाइम. यू कैन सी ढोल वाले आ गए थे और बस मस्ती शुरू होने वाली थी, नाचना गाना. एंड नाउ वी ऑल इन्जॉय आवर डांस, लाइक भांगड़ा. लाइक आप देख सकते हो मामा जी ने कैसे भेजा हम दोनों को, हम दोनों डांस करने के लिए. तो आप इन्जॉय करो. हेयर यू कैन सी मोहित, पता नहीं क्या हो गया था मोहित को. यू कैन सी हिज डांस. बस फिर कहता वो डांस खत्म हुई, फोटो सेशन स्टार्ट हो गया सबके साथ. बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की. सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पूजा भाभी से, और फिर मम्मी से, और फिर माँ और मम्मी से, और फिर डैडी, मम्मा, मम्मी, पापा, सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक हुई. और ये डांस बाकी नहीं था, अभी और डांस है आगे आगे आने वाला है, आप देखना ज़रूर. फिर बारी थी मेरी और मोहित की फाइनली एक फ़ाइनल फ़ोटो की, जो कि मेरी बहन ही क्लिक कर रही थी. सो यस, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया. लाइक हमने सबसे बेस्ट तो डांस, क्या मस्त डांस करा यार, हमने बहुत डांस इंजॉय करा. और मैं ये वीडियो को एडिट करने टाइम मेरे को याद आ रही चीज़ें. फिर मेरी दादी के साथ भी क्लिक किया, मेरी दादी आई थी पटना से और दादी का आशीर्वाद लिया. यू कैन सी द डांस. इससे ज़्यादा सॉन्ग्स डाल नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा सॉन्ग्स डाला तो मेरे वीडियोस पे कॉपीराइट इशू आ जाएगा. मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है कि इस पे भी आएगा क्या, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सॉन्ग्स आ गए हैं. बट स्टिल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा रात का भी डांस था, लाइक खाने पीने के बाद, चेंज करने के बाद,
आराम से हमने खूब डांस किया, खूब मस्ती की और खूब एंजॉय किया, यू कैन सी। और मतलब क्या था, हमने बातें भी करी और हमने यहाँ पे भी आग जला रखा था बहुत अच्छे वाला, और फिर हम एंजॉय कर रखे। यस, तो ये था हमारा ईओडी वाला लास्ट डांस, मतलब लास्ट सॉन्ग पे भी, मतलब इसके बाद हमने डिसाइड किया, अरे यार बहुत थक गए, चलो चलो जाओ सोने। सो यू कैन सी ऑल द हैप्पी फेसेस, डांसिंग, चीयरिंग। सो वो कहते हैं ना, ऑल वेल्स वेन एंड वेल। सो यस, सब कुछ अच्छा रहा और सब कुछ काफ़ी अच्छे से हुआ, बहुत मस्ती की। एंड ये था मेरा छोटा सा, बहुत लेट सा लोरी वाला ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक।